तो हेलो दोस्तों, आप बताओ मुझे मैं कहाँ जा रहा हूँ भाई आज, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ हम क्या करने जा रहे हैं, कौन सी वीडियो बनाने जा रहे हैं, प्लीज़ यार बताओ जरूर, ठीक है ना। और आज हम जा रहे हैं टॉयज मार्केट घूमने भाई। ओके सो हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं टॉयज मार्केट, ठीक है ना। टॉयज की बहुत बड़ी दुकान है भाई, वहाँ पे हम अपने मतलब शॉपिंग करने जा रहे हैं, कुछ सामान लेने जा रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ से होलसेल सामान लेने जा रहे हैं, वहाँ पे रिटेल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको पूरा पूरा सारा कुछ दिखाऊंगा, जो भी हो सके टॉयज का पूरा पूरा सामान दिखाऊंगा, ठीक है ना। गिफ्ट आइटम वगैरह तो नहीं होती वहाँ पे, सिर्फ टॉयज ही टॉयज है, ठीक है ना। स्पोर्ट्स वाले वगैरह सब कुछ जो भी रहेगा सब कुछ दिखा दूंगा, ठीक है ना भाई। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो और देखो पूरा वीडियो। और सो ये है चंडीगढ़ रोड हमारा सामने, आप देख रहे हो ये है चंडीगढ़ रोड। आप अगर इस जरिए से आ रहे हो चंडीगढ़ रोड सीधा जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम जाएंगे तो आपको दिखा देंगे, ठीक है ना। चंडीगढ़ रोड के माध्यम से आप सीधा भी जा सकते हो, ठीक है ना। चंडीगढ़ रोड से आपको सीधा का सीधा चौड़ा बाजार पड़ेगा, पर हमें वहाँ पर नहीं जाना। दुखनवार गुरुद्वारा है, इसकी बैक साइड है, वहाँ पे टॉयज़ की बहुत सारी शॉप्स हैं, ठीक है ना। गुल्ली की होगी और भी है, अगली बार हम आपको गुल्ली की शॉप थी टॉयज़ की दिखाएंगे, बट अभी हम कहीं और गए थे तो हम आपको वहाँ की वीडियो दिखा रहे हैं, ठीक है ना। अभी हमारे फ्रेंड थे बहुत अच्छे, तो अभी हमारी वीडियो कम्प्लीट नहीं हुई थी थोड़ा, तो हमने बना लिया, बट हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो पूरा प्रॉपर आपको पूरा दिखाएंगे, ठीक है ना। और आपको पूरा पूरा दिखा देंगे, और आपको और हम जा रहे हैं मेरा भाई लोग, और मेरा सपोर्ट किया करो यार, तभी आपके लिए मज़ेदार। अकेला जाता हूँ यार तो आपको पता है थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए अकेला बनाने में वीडियो भी थोड़ी मेरी अच्छी नहीं बन पा रही। पर यार सपोर्ट करोगे, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो मैं आगे और अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा भाई। मेरे साथ अभी टीम नहीं काम करती, मैं अकेला काम कर रहा हूँ भाई, तो आपको पता है थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो साथ दे दो मेरे भाई। इतना है कि आप मेरा जब तक साथ दोगे। ये है विशाल मेगा मार्ट, ये उनकी बैक साइड है। अब विशाल मेगा मार्ट की साइड से भी आप जा सकते हो, ठीक है ना। ये चंडीगढ़ रोड से हम बैक से जा रहे हैं, ठीक है ना। पर हाँ, अगर आप चंडीगढ़ रोड से जाओगे तो आपको विशाल मेगा मार्ट जरूर दिखेगा वहाँ से, ठीक है, जाते हुए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे भाई, अगर आप जा रहे हो तो अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप मेरे साथ कमेंट पे बात कर सकते हो, ठीक है ना। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर मैं रिप्लाई नहीं दूंगा, ठीक है ना। अगर आप आए हो लुधियाने शहर में, अगर आपको कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अभी हमें यह चीज़ लेनी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। हाँ, रिटेल के लिए है कि आपको कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। आना हो तो होलसेल के आओ, अपनी शॉप के लिए अगर आपने सामान लेना है तो उसके लिए आओ, मैं आपको मना नहीं करता हूँ, ठीक है ना भाई। उसके लिए आपको यहाँ से सामान सस्ता मिल जाएगा। अगर हाँ, ये चंडीगढ़ रोड है, देख सकते हो आप, ये चंडीगढ़ रोड है, यहाँ से आपको सीधा ही है, यहाँ से आपको सीधा चौड़े बाजार पड़ेगा, पर हमें चौड़े बाजार नहीं जाना है, ठीक है ना। अगर किसी को मोबाइलों की मार्केट जाना है तो आप सीधा चौड़े बाजार जा सकते हो। अगर आप घर के लिए शॉपिंग वगैरह करना चाहते हो, ये पीछे आप देख सकते हो, ये सम्राट चौक निकले हैं। अभी हम सम्राट चौक से आगे निकले हैं, पूरा सम्राट चौक का व्यू आप देख सकते हो पीछे, ठीक है ना, वैसा ही है। तो हम अगर आगे जाएंगे, ठीक है ना, जैसा भी रहेगा आपको बताता जाऊंगा मेरा भाई, ठीक है। दो तीन बारी मैंने आपको काफ़ी बारी बताया है अभी। हाँ, अभी सम्राट चौक पार करने के बाद ही आपको सीधा चौड़ा बाजार आएगा। बट हाँ, अगर हम इस समय चौड़े बाजार तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, अब हम जा रहे हैं दुखनवार गुरुद्वारे की बैक साइड। वहाँ पे अगर टॉयज़ की बहुत सारी शॉप्स हैं, वहाँ पे कुचे कहते हैं, जैसे 11 कुचा आता है, 9 कुचा है, 7 कुचा है, यहाँ से आपको टॉयज़ का सामान मिल जाएगा, ठीक है ना। होलसेल लेना हो तो आप बेफिक्र होकर जाइए, आपको पढ़ते से सामान मिल जाएगा भाई, ठीक है ना। ये कहने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आपको वहाँ पर सामान नहीं मिलेगा, मिलेगा मेरा भाई, ठीक है ना। हमारा कुचे की ओर से जो रास्ता जाता है, हम उस साइड से जा रहे हैं, ठीक है ना भाई। ये आगे आके जब मस्जिद आ जाती है, यहाँ पर बहुत अच्छी मतलब कि बढ़िया है, यहाँ पर काफ़ी एवरी टाइम यहाँ पे पुलिस खड़ी रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है, यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा वाली बात नहीं है, पूरी मार्केट ओके पड़ी थी भाई। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ भी, संडे वाले दिन अगर आप जाओगे तो बहुत भीड़ मिलेगी। कोशिश करो कि आप मंगलवार, बुधवार, किसी भी टाइम आओ, आप सोमवार को छोड़ के आप किसी भी दिन आ सकते हो, क्योंकि सोमवार को ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पर बंद रहती है, ठीक है ना। और हाँ, हो सके तो मैं यही कहूँगा अभी, जो भी दिन आओ अपना खुले टाइम से आओ, अपना आपको शॉपिंग करनी है अपनी दुकान के लिए, थोड़ा पैसा लेके आओ भाई यहाँ पे, ठीक है ना। और अपने पैसे को संभाल के रखो, क्योंकि यहाँ पे चोरी तो होती है भाई, किसी भी शहर में चले जाओ, दिल्ली है, मुंबई है, तो लुधियाना भी कोई शरीफ नहीं है मेरे भाई। देखो कोई भी बाज़ार है, क्योंकि चोर आपको हर जगह मिलेंगे। हाँ, बस आपको अपनी सेफ्टी करके रखनी है, और हो सके तो वैसे कैश लेके ना आओ, आजकल डेबिट कार्ड वगैरह सब कुछ चलता है, तो आप उसी के ज़रिए से आओ, ठीक है ना। और आगे आगे मेरे भाई आपको जो भी दिखाएंगा। तो अब हम पहुंच चुके हैं टॉयज़ की शॉप पर, आगे आपको पूरा नक्शा दिखाते हैं, अब हम अंदर चलते हैं, आ जाओ।
इधर चलते हैं, दिखाते हैं आपको पूरा नक्शा जो भी रहेगा, ठीक है ना। हमने भाई साहब से बात की थी, इनका नेचर थोड़ा ठीक था बट इन्होंने थोड़ा वीडियो बनाने से हमें मना कर दिया था। बोला इनको लगा हम पे डाउट था, इसलिए तो मैंने इनके साथ बात बहुत क्लियर कर लिया। अगली बार जाएंगे तो हम इनको इनकी बुढ़िया पूरी दिखाएंगे भी। हम हमारा यूट्यूब पे फेमस चैनल है, ठीक है ना, जितना भी रहेगा। तो भाई लोग वीडियो ये है कि हाँ भी यहाँ पे होलसेल सामान आप ले सकते हो। इनकी दुकान बहुत अच्छी थी भाई, मैंने देखा है बहुत, यहाँ पे बहुत सारे टॉयज थे, बहुत क्वालिटी थी इनके पास। यहाँ पे आपको इनके पास जो बढ़िया बढ़िया टॉप क्लास क्वालिटी के टॉय है वहाँ पे भी लेके चलेंगे, ठीक है ना। आपको इनके पास एक स्पोर्ट्स का तो बहुत बड़ा है, इनके पास स्पोर्ट्स का जो स्पोर्ट्स का कह सकते हैं वो बहुत बड़ा है, वो भी दिखाएंगे। ये मैंने इनसे थोड़ा रेट वगैरह पूछने की कोशिश की थी बट रेट वगैरह ज़्यादा कन्फर्म नहीं बताते, ठीक है ना। तो हाँ, आपको अगर जो भी व्यूज़ रहेगा मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है ना। ये भाई साहब से बात करने की कोशिश की थी, भाई साहब थोड़े ऐसे थे रूट टाइप के, क्योंकि ज़्यादा बातचीत करने नहीं पसंद नहीं थे करते, इसलिए हमने अपनी वीडियो बना ली, ठीक है ना। जब जो भी रहेगा आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है ना भाई। होलसेल लेना हो तो आप एनी टाइम आओ, इस दुकान का एड्रेस आपको चाहिए तो मैं आपको दूंगा भाई, क्योंकि मुझे इनका उनके सर का जो बड़े सर थे उनका नेचर थोड़ा अच्छा लगा था, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आप आओ इनकी दुकान पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बढ़िया और सस्ता सामान मिलता है यहाँ पे, कोई वो नहीं है। हाँ, होलसेल के लिए दुकान के लिए लेना मेरे भाई, जब मर्जी आओ। और गजब का सामान था भाई, हर एक आइटम थी इनके पास, हर एक आइटम छोटी से लेकर बड़ी तक आप खुद देख सकते हो अपने आँखों से भाई। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी डेकोरेशन की हुई है, ये देखिए किस किस प्रकार से ये लगे हुए हैं, मेहनत है भाई। जैसे जैसे कम बना रहे थे, बहुत सारी आइटमें थी, बहुत सारी आइटमें थे इनके पास पास। अब जैसी क्वालिटी मांगोगे वैसी क्वालिटी दे देंगे, ठीक है ना। लोकल से लोकल और बढ़िया से बढ़िया, हाई क्वालिटी इनके पास बहुत अच्छी थी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इनके पास इनका बड़ा शोरूम है, वहाँ पे भी हम जाएंगे, मैंने आपको बताया था। बट हाँ, यहाँ पे इनके पास छोटी मोटी आइटमें जैसी भी हैं आप अगर लेना चाहते हो तो हाँ यहाँ पर आओ यार, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई धोखाधड़ी वाली बात नहीं है। दुकान बहुत अच्छी थी इनकी, और यह है कि हाँ इनके पास क्वालिटी बहुत अच्छी थी चीज़ों की, मैंने देखी है, आपको दिखा भी रहा हूँ बीच में। ये देखिए कुछ ऐसी आइटमें भी थी इनके पास ABC टाइप की, ठीक है ना। ये बच्चों की नॉलेज के लिए सबसे बढ़िया चीज़ें रहती है। आगे चलते हैं, आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे। इनके पास टॉयज़ वगैरह ये देखिए, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी फुल दुकान थी भाई, इनका भरी पड़ी थी। ये घोड़े वगैरह रहते हैं, चलो और आगे चल के देखते हैं क्या क्या आइटम है इनके पास। ये फुटबॉल वगैरह इनके पास, ठीक है ना, बास्केटबॉल भी होती है इनके पास, सारे सामान होता है। वह दो तीन नंबर जैसे बड़ी छोटी जैसी मर्जी ले सकते हो। ये क्रेन्स होती हैं, बड़ी हाई क्वालिटी की क्रेन थी, मतलब कि पीछे खींचो तो आगे जाती थी, बढ़िया थी। कि दुकान की यार गलबात थी, मतलब कि जैसे कि बता सकते हो भी अच्छी लग रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब क्वालिटी वाइज सर इनके पास बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि ये बेबी डॉल सेट बना हुआ था, ठीक है ना, प्लस क्वालिटी की क्वालिटी है और लो की लो रेंज दोनों मिल जाएंगी। अगर आप अपने शॉप के लिए लेना चाहते हो तो यहाँ से आके आप जब मर्जी परचेज़ कर सकते हो, ठीक है ना मेरा भाई। और इनकी दुकान मेरे ख्याल से बस सोमवार को ही बंद रहती है, बाकी सारा दिन ओपन रहती है, सारा मतलब कि सारे दिन ओपन रहती है। ये बंदूक वगैरह थी, नॉर्मल रेंज भी थी इनके पास, हाई रेंज दोनों हैं, मतलब दोनों मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। मैंने तो थोड़ी बड़ी परचेज़ कर रहा था अपनी शॉप के लिए, मैंने लिया है सामान कम से कम भी लिया था, मैंने 1500-2000 रुपये का माल लिया था यहाँ से, ठीक है ना, थोड़ा बहुत। हाँ, अगर आप इतना सा लेना चाहते हो, अगर आप लोकल हो तो आप ले सकते हो आकर, ठीक है ना। अगर आप दूर से आना चाहते हो, ठीक है भाई, यहाँ पे तो आप अपने हिसाब से अपना बजट बना के आइए, ठीक है ना। मैं नहीं कहता भी आप यहाँ से लेके या इतना लेके आइए, आप अपने हिसाब से। तो चिड़ी छक्के छोटे छोटे बच्चों के लिए सही रहते तो मैंने डलवाए थे अपने लिए, ठीक है ना मेरे भाई। बहुत बड़ी शॉप थी इनकी भाई, और गोदाम भी है, वहाँ पे भी आपको लेके चलेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। और बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी का सामान था इनके पास, डोल्स वगैरह जैसे कि ये देखिए, छोटी बड़ी दोनों थी, ठीक है ना, मेरे को बहुत पसंद आई थी। तो कुछ ली है कुछ ऐसी मेरे को, मैं तो यही कहूँगा अगर आप अपनी दुकान के लिए लेना चाहते हो तो मेरा भाई जी सद के आओ। इनके पास बहुत वैरायटी थी, दुकान बहुत अच्छी थी इनकी, और मैंने इनका मालिक से ही बात की थी थोड़ा बहुत, वो भी उन्होंने मतलब कि मेरा साथ दिया था काफ़ी परसेंट तक उन्होंने, और ये बोला भी हाँ भी अगले नेक्स्ट टाइम हम इनकी बहुत अच्छी वीडियो बनाएंगे, अगर इस बार बनाएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ी ये क्वालिटी वाइज सर थोड़ी अच्छी नहीं बनी थी इस बार, प्राइस वगैरह तो आपको पता है कोई बताता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर भीड़ रहती है दुकानों में इस समय। तो ये थी वो जो आपको छोटी ABC दिखाई, ये बड़ी में था इसलिए, तो ये थोड़ा क्वालिटी में थोड़ी महंगी थी। तो आप अगर बढ़िया लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे बढ़िया सामान काफ़ी है मेरे भाई, ठीक है ना। ये देखिए बहुत इनकी दुकान पे बहुत सारा सामान भरा हुआ था, ट्रक वगैरह, छोटी कार है, छोटी छोटी स्मॉल कार है, ठीक है ना। यहाँ पे 10 रुपीज़, 20, यहाँ पे 5 की ऐसे भी पड़ सकती हैं आपको, ठीक है ना, अलग अलग प्राइस में पड़ सकती हैं। अगर हाँ इकट्ठी लेनी है तो आ जाइए, रिटेल में लेना है, रिटेल में यार आपको ये ज़्यादा भाव नहीं देते, ठीक है ना। होलसेल में आपको
थोड़ा बहुत कर देते हैं। हाँ यार कोई बात नहीं है, ये देखिए आपके सामने जैसे मैंने ये वीडियो बनाई है, इनकी दुकान बढ़िया थी भाई। और आओ ये देखिए क्रेन वगैरह जैसे कि हमने देखी थी, ठीक है ना, बड़े एक ये चाबी वगैरह घुमाने वाली थी, काफ़ी वैरायटी थी इनके पास। ये देखिए आजकल बॉल्स वगैरह जो चलती है मैंने, ठीक है ना, छोटी बैट्स बॉल के लिए, तो बहुत सारी वैरायटी है। अरे अब हम चलते हैं ऊपर, ऊपर चलेंगे या फिर जो है कि स्पोर्ट्स वाली मार्केट है, जो स्पोर्ट्स वाला इनका पूरा फ्लोर है वहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम वहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए इनका स्पोर्ट्स वाला है, सारा स्पोर्ट्स का इनका पड़ा हुआ है, बैट बॉल वगैरह, पैड वगैरह, ग्लव्स वगैरह अगर आप लेना चाहते हो यहाँ से। ये देखिए ये ऊपर का फ्लोर है इनका, ये कार वगैरह रिमोट कंट्रोल कार, बढ़िया हाई क्वालिटी की कारें यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। ये पूरा इनका हाई क्वालिटी का रेंज है यहाँ पे, ठीक है ना। स्टार्टिंग कम से कम यहाँ पे आपको 100-150 से ऊपर ही कार मिलेगी, ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पे आपको 10,000-15,000 तक कार मिल जाएगी, सिर्फ कार जो चलाने वाली, जो बच्चा बैठ के भी चला सकता है वहाँ। तो भाई यहाँ पे बहुत सारी आइटमें थी, हम पूरा नहीं दिखा सकते, ठीक है ना, और नेक्स्ट टाइम आपको पूरा दिखाएंगे। और मेरे वीडियो को हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब दबा के कर दो यार।